अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माजिद और ये मेरे साथ एक स्टूडेंट है माही साल। इन्होंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद मुसलसल कई प्रोजेक्ट किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और अपना एक ब्रांड भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपका सफर कैसा रहा और आगे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच माजिद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम माही साल है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैंने ये एक्टिंग वगैरह का काम करना शुरू किया था। मुझे सर पैर का नहीं बनना था, मेरी बहुत सारी स्किल्स जो थी वो डेवलप करने में माजिद का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मुझे सिखाया चीजें किस तरह से मैनेज करनी है, किस तरह से लेकर चलनी है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर के जितने भी बड़े चैनल है मैंने सबके साथ काम किया है। उसमें आप 24 न्यूज चैनल ले लीजिए, PNN न्यूज चैनल हो गया, CT42, रोही, आज TV, मैंने इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज आती है उनमें भी काम किया। बहुत सारे ब्रांड शूट मैंने इनके रेफरेंस से किए, बहुत अच्छे से जो भी उन्होंने डेवलप किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्द, जिसकी ओपनिंग पे जाहिर सी बात है माजिद साहब हमारे साथ होंगे। आप लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है, वो सब जो एक्टिंग करना तो चाहते हैं लेकिन बहुत सारे उन्हें खौफ होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये फील्ड कोई बुरी फील्ड नहीं है, लोग हर जगह पे सेम होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको वो नाम दिया हुआ है कि यहाँ तो बड़ी अयाशी है, ये फील्ड अच्छी नहीं है, जगह सेम होती है। एक बोर्ड चेंज करने से लोग नहीं बदलते। आपने यहाँ पे किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बोर्ड लगाया है और अंदर वो जो लोग बैठे हैं हेड वो भी वही है। वही बोर्ड अगर हटाकर आपने एक प्रोडक्शन हाउस का लगा दिया, अंदर लोग वही बैठे हैं। आपने सिर्फ एक चीज सीखनी होती है कि लोगों को डील कैसे करना है। आपके ये जो फजूल लोग होते हैं जो आपको घेरने वाले होते हैं यही आपके काम आते हैं, क्योंकि आप सीढ़ी बनाकर ऊपर जाते हो। आपने एक्टिंग करनी है, आप आए मूव करते हो, आप कदम बढ़ाएं, हम सब आपके साथ हैं। आपको जहां जो भी मसला हो माजिद साहब हैं, आप इनसे रब्ता करें। किसी चीज की समझ ना आ रही हो तो करें। लेकिन जो लोग एक्टिंग को इस वजह से छोड़ते हैं कि फील्ड बहुत बदनाम है तो इस वजह से ना छोड़े, या कोई इस खौफ या डर की वजह से नहीं करना चाह रहा कि हम बहुत इज्जतदार लोग हैं तो फील्ड में जाके हम पत्नी कैसे बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। माहौल आप खुद बनाते हो। जब तक आप खुद किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते कोई आपको जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। जो लोग शॉर्टकट लेते हैं हमेशा वही फंसते हैं। शॉर्टकट लेते हैं, डायरेक्शन जो भी है ये प्रोडक्शन हाउस है उनकी बात नहीं मानी, रैंडम कॉल आई है आपको, हम एक्टिंग के लिए बुला रहे हैं, ये चीजें हो रही है, आप आए, फटाफट पहुंच जाती है। बड़े बजट के चक्कर में हाई लेवल के थोड़े से बोर्ड शूट कर लेती है, देन वो चीजें उनको ब्लैकमेल की जा रही होती है। मतलब उनको इस हद तक वो जाके वो जहनी तौर पे वो बंदा उनको डिप्रेशन में डाल देते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। एक्टिंग एक बड़ी खिली खिली सी चीज है, बस हाँ सही लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। और इस फील्ड में पैसा कहाँ से आता है और कैसे आता है आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, ये इनका एक्सपीरियंस था, इसमें 2-3 बातें थी कि तमाम लड़कियां और लड़के जो आना चाहते हैं आए और सही लोगों के साथ रह के काम करें। हम शॉर्टकट से परहेज करें। हाँ। अगर आप किसी के साथ आते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्शन, जैसे इनका लाहौर स्कूल है, इन्हीं के साथ काम कीजिए। जहां भी आपको रेफर करेंगे एटलीस्ट उनके उनको पता होगा, वेरीफाई जगह होगी, हाँ लोग ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद से अपने कॉन्टेक्ट बना के जाना शुरू करते हो तब आपका सवाल शुरू होता है और आप नतीजा ये होता है कि आप कुछ भी करने से पहले ही डाउन हो जाते हो। चलिए जी, हमारे साथ थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ये सफर जारी रहता है, इंशाल्लाह आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।